गुड इवनिंग बच्चों, मैं आज स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। बच्चों, आज बेहतरीन शाम है, आज रिपब्लिक डे की शाम है, गणतंत्र दिवस की शाम है, और इस शाम पर कुछ क्रिएटिव किया जाए, हम और आगे बढ़ें, तरक्की की तरफ बढ़ें, और इसके लिए पढ़ाई शुरू करते हैं। ये पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। तो अपने देश की जिम्मेदारियां आगे जाकर आपको उठानी है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारियां आपको उठानी है, और इसलिए मन लगा के आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। ये मेहनत आपको अपने लिए करनी है, अपने माता पिता के लिए करनी है, और अपने देश के लिए करनी है, क्योंकि देश को संभालना आप ही लोगों को है। भविष्य में आप सेलेक्ट होंगे, किसी बेहतर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, और वहाँ गवर्नमेंट आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देंगी, तो वो काबिल हाथों में होनी चाहिए। तो आपको काबिल बनना है, तो रात दिन एक कर कर मेहनत करिए, बस देश की जिम्मेदारियों को उठाइए। मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, वैसे तो अब सब लोग आप मुझे जानते ही हैं। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, और मैं पिछले 15 साल से सिविल सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और गेट एग्जाम के लिए जो है, और BSUs एग्जाम के लिए बच्चों को जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। इसमें मेरे जो स्पेशल एरियाज हैं बच्चों, वो स्पेशल एरियाज हैं इंडियन पॉलिटी। जनरल स्टडीज तो बहुत बड़ा एरिया है, उसमें मैं इंडियन पॉलिटी का एक्सपर्ट हूँ, मैं एनवायरमेंट का एक्सपर्ट हूँ, एथिक्स का एक्सपर्ट हूँ, और मॉडर्न हिस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ। इसमें एथिक्स और एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर आता है। अराउंड 20 मार्क्स के आसपास का एथिक्स आता है, और अराउंड 15 से 20 मार्क्स का ही आपका एनवायरमेंट आता है। तो और एनवायरमेंट तो बच्चों इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि कोई भी एग्जाम बिना एनवायरमेंट पढ़े पास नहीं हो सकता। हर एग्जाम में एनवायरमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, बिकॉज भविष्य में वही सर्वाइव करेगी, वही टेक्नोलॉजी सर्वाइव करेगी जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अदरवाइज उसको परमिट ही नहीं किया जाएगा, उसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। तो अब गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है कि इवन जो इंजीनियर्स हैं वो एनवायरनमेंट की नॉलेज बहुत अच्छे से रखते हो, उनके पास अच्छे से एनवायरनमेंट की नॉलेज हो बच्चों। तो इसीलिए एनवायरनमेंट हर एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, और यही देखते हुए अनअकैडमी ने भी जनरल स्टडीज का ये सेगमेंट आपके लिए शुरू किया, क्योंकि नेक टू नेक फाइट जब होती है ना, एक एक मार्क्स की जब फाइट होती है, इतनी भीड़ और इतनी कम सीट, और उसमें नेक टू नेक फाइट, एक एक नंबर की लड़ाई में पूरे एक पेपर को आप इग्नोर कर नहीं चल सकते हैं। तो आपको अपना जनरल स्टडीज भी उतना ही मजबूत करना होगा, और उसमें क्योंकि एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए अनअकैडमी ने सबसे पहले एनवायरनमेंट से ही क्लासेस को इस सेगमेंट के अंदर, इस सीरीज में शुरू किया, और ये जिम्मेदारी मुझे दी आप लोगों को एनवायरनमेंट पढ़ाने की। जो बच्चे पिछले 9 दिनों से इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, उन्हें शायद उन्हें एहसास होगा कि मैं ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा हूँ। ये तो वही मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आर दे सेटिस्फाइड विद मी और नॉट, तो मैं वो जिम्मेदारी सही से निभा पा रहा हूँ या नहीं निभा पा रहा हूँ। हालांकि हाँ, ये जिम्मेदारी इस बार एनवायरमेंट कराने की अभी मुझे मिली है, मैं जनरल स्टडीज के और सब्जेक्ट्स भी कराऊंगा अपने अनुभव के साथ। तो ये वो 15 साल का अनुभव है, उसको मैं आप पर पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ लगाने की। गुड इवनिंग फ्लाई हाई ये नाम अच्छा है नाउ। तो ये तो रही बात मेरी बात बच्चों, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि आप लोग जो है किस बात का रोज इंतजार करते हो। आज मैं ना आज थोड़ा सा रिवर्स होगा मामला, आज मैं आपकी पहले दिल की बात पूरी कर देता हूँ। मुझे मालूम है आपको किस चीज का वेट रहता है, आपको वेट रहता है नए अट्रैक्शन का, आज का सरप्राइज का, सरप्राइज फोटोग्राफ का, जो मैं नेचर की गोद में से लेकर के आपके लिए आता हूँ। जो सारी फोटोग्राफ्स मैंने खींच रखी हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से, उसके अलग अलग पोर्शन से, डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो मेरे मोबाइल में कैद हैं, तो मैं अपने मोबाइल से एक फोटो निकाल करके रोज आपके लिए लाता हूँ। तो आज का सरप्राइज है, नी गेस आज थोड़ी सी डिफरेंट फोटो ला रहा हूँ, ठीक है। आज जो है संविधान दिवस है, संविधान दिवस कहेंगे कि मतलब आज एक्चुअली हमारा रिपब्लिक डे है और संविधान लागू हुआ। इसी संविधान के तहत हमने बहुत सारे नेशनल सिंबल्स को अडॉप्ट किया, उन्हीं में एक नेशनल सिंबल आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, खींची हुई फोटो है, चलिए सामने दर्शन कराता हूँ। ध्यान से देखिए, सूदिंग आराम से देखिए, मैं आपको नेचर के पास ले जाने जा रहा हूं। यह सिद्धार्थ मैं समझ रहा हूं, आजकल गेट का एग्जाम आप लोगों का आ रहा है, तो मुझे मालूम है जनरल स्टडीज से आप लोगों का ध्यान थोड़ा हट रहा है, मुझे मालूम है, पता है मुझे, लेकिन आगे पीछे वीडियोस देख लेना ना, और जब बाद में वीडियो देखो ना तब भी लाइक कर देना वीडियो को, मेरे तो लाइक कम हो जाएगी बेटा
है ना, या आगे लाइक करके चले जाए करो। सही है, पहले ये बताओ फोटो कैसी लगी। ये पुरानी कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो हमने देखा और अब आपने भी देखा। ये जिम कॉर्बेट की ही फोटो है, ये जिम कॉर्बेट के सीता बनी इलाके की फोटो है। जिम कॉर्बेट 5 जोन्स में बटा हुआ है, जहां वहां लॉयन जो मिलते हैं, टाइगर्स जो मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा टाइगर्स मिलते हैं ढिकाला में। ढिकाला टाइगर्स के लिए फेमस एरिया है, बट ढिकाला के लिए बुकिंग 6 महीने पहले होती है, तो मुझे ढिकाला की बुकिंग तो मिल नहीं पाती पाई थी। मैं जा रहा था, हाँ मैंने तो देखा बेटा, ये मैंने खींची है फोटो, ये नदी के किनारे नाच रहा था मस्ती में, चुपचाप इसकी फोटो खींच के ले आया। तो ये सीता बनी इलाका है, ये सीता जिम कॉर्बेट का सीता बनी फॉरेस्ट है। सीता बनी में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम है, रेयर है, घूमते घामते आ जाता है, लेकिन बाकी एनिमल्स खूब मिलते हैं। तो जंगल केवल टाइगर तो नहीं है ना, टाइगर के लिए तो नहीं है, जंगल में और भी बहुत सारे जीव रहते हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरती है, इंडिया की नेशनल बर्ड। तो इंडिया की नेशनल बर्ड की खूबसूरती देखिए, जब वो पूरी फुल ब्लूम होती है, पूरी तरह से वो खुश होती है, तो वो कितनी खूबसूरत लगती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आज की फोटो थी, थोड़ी सी यूनिक थी, अलग थी, तो इसलिए इसको लेकर के आया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने देखा। चलिए बच्चों, ये बच्चों अभी जो है 8 o'clock से 8:15 के बीच में मेरा एक स्पेशल रिपब्लिक डे पर एक स्पेशल प्रोग्राम हुआ था। आई होप शायद आप में से कुछ बच्चे उसके अंदर हों। ठीक है, इसके अंदर कुछ बच्चे हों बेसिकली, अगर नहीं थे तो शिवम कुमार मुझे आपको जो है ब्लॉक कराना पड़ेगा। मैं डेली कई बच्चे ब्लॉक हो रहे हैं, तो प्लीज मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई की बात होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं वार्न कर रहा हूं, मैं ब्लॉक करने जा रहा हूं, प्लीज पढ़ाई को सीरियसली लीजिए। अगर आप देखो, आप अगर एजुकेट, आप पढ़ाई को सीरियसली नहीं लोगे ना, वो आपको सीरियसली नहीं लेगी। आप पढ़ाई को अगर सीरियसली नहीं लोगे, तो आपको वो नहीं मिल पाएगा जिसके लिए आप यहाँ बैठे हो, सीधी सी बात है, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जो है सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करती है। तो पहले अपने आप को सूरज की तरह से धमकाओ, तो आपकी चमक से लोग आपके तरफ आए, तो पहले अपने आप को स्थापित तो कर लो। फालतू के ये गली मोहल्ले वाली हरकतें तुम चैनल पर कर रहे हो, और पढ़ाई वाली जगह पर क्लास में गली मोहल्ले वाली हरकतें कर रहे हो। अब तो ये जो ना, ये सब छोड़ दिया लोगों ने, ये सब करना। तुम कहाँ यार, इंजीनियर हो? अच्छा चलो, नाउ शुरू करते हैं। बेसिकली ये मेरा एक सेगमेंट है बच्चों, आज ही हुआ है 8 से 8:15। यहां पर मैंने कुछ दिल की बात की है, संविधान की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, और कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा मैंने सोसाइटी की बात की है। इस 15 मिनट का सेशन है, मैं चाहता हूं आप देखिएगा। ये कोशिश है आपको आप ही के देश से जोड़ने की, ये कोशिश है आपको आपके समाज से जोड़ने की, ये कोशिश है आपको आपके बारे में कुछ एहसास दिलाने की, ये कोशिश है आपके अपने अधिकार और आपके अपने वजूद की। तो जरूर देखिएगा, छोटी सी कोशिश है, 8 बजे से 8:15 तक ये कोशिश की गई है। तो देखिएगा, ये बच्चों आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है, उस पर मेरी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे अब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर वहां पर भी मेरी क्लासेस चल रही हैं। और मैं बहुत सारे स्पेशल टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत आते हैं, उन टॉपिक्स को रेगुलरली मैं वहां पर जो है वो कर रहा हूँ। वो टॉपिक्स जो है बेसिकली, जैसे अगर मैं टॉपिक्स आपको बताऊं, तो ग्लोबल वार्मिंग में वहां करा चुका हूँ, ओजोन लेयर डिप्लीशन मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कराया है स्पेशल क्लास के अंदर। और स्पेशल क्लास मेरी फ्री चल रही है, तो फ्री स्पेशल क्लास पे मैंने ग्लोबल वार्मिंग करा दिया है, ओजोन लेयर डिप्लीशन वहां करा दिया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने वहां पर करा दिया है। इसके अलावा जो है वहां पर मैंने एक क्वालिटी की क्लास भी ली है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी भी क्लास वहां पर मौजूद है, वो मैंने कराया। तो हर दिन कोई ना कोई एक बेहतरीन टॉपिक में करा रहा हूँ। आज मैंने वहां करा है एसिड रेनिंग। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसिड रेनिंग, तो गेट में भी कहीं ना कहीं कुछ आ सकता है एसिड रेन पर, तो एसिड रेन जो है ये भी मैंने कराया, तो एसिड रेनिंग कराई है। नाउ कल मेरा फिर यहाँ पर स्पेशल टॉपिक होने जा रहा है, कल मैं कराने जा रहा हूँ वेटलैंड्स। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कल मेरा होगा वेटलैंड्स, और ये क्लास का टाइमिंग जो होगा वो होगा 6 o'clock से,
सिक्स ओ क्लॉक या सिक्स ओ क्लॉक से ही क्लास जो हमारी होगी वो 7 o'clock तक की क्लास होगी, 6 to 7 PM। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करने के लिए आप इस आईडी को यूज कर सकते हैं, या हमारा जो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आप लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस आईडी को जो है आप फॉलो करिए, इस आईडी से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिससे कि मेरे वीडियोस आपको पता चल जाएंगे बच्चों। ठीक है, या लिंक से आप सीधे चले जाइएगा। आपको एक कोड डालना होगा, मेरा कोड डालना होगा मेरी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए। कोड है बच्चों अभिषेक 01। इससे आप मेरी क्लास को अनलॉक कर सकते हैं और मेरी फ्री क्लास में आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे देख रहे हैं, गणेश वॉज इन द, गणेश यस यू आर इन माई क्लास इन टूडेज क्लास, आप मेरी क्लास में थे। आई होप आपने क्लास, आपको पसंद आई होगी, आपके कंसेप्ट खुले होंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में हम कंसेप्ट को डील कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। नाउ ये तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप की मेरी स्पेशल क्लासेस की बात की मैंने। इसके साथ ही बच्चों हमारे दो प्लस, हमारे दो सब्सक्रिप्शन भी हैं, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये दोनों ही सब्सक्रिप्शन आपको आपकी तैयारी की जिम्मेदारी अगर आप अनअकैडमी को देना चाहते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए स्ट्रेटेजाइज करे, अनअकैडमी के एजुकेटर्स आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाए, वो आपके लिए प्लानिंग करें और एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपको ग्रूम करें, एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपको तैयार करें, तो हमने दो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बनाए हैं। यूट्यूब की क्लासेस या जो फ्री क्लासेस हैं उसमें आप अपनी तैयारी खुद कर रहे हो, हम उसमें आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हम आपकी तैयारी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम आपको ग्रूम कर रहे हैं, आपके लिए हम रणनीति बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी हम आपके लिए बनाते हैं। तो जो बच्चे ये कर रहे हैं उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है, वैसे उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है क्योंकि उनके लिए एजुकेटर्स की टीम स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रही होती है, प्लान कर रही होती है बेसिकली। इसमें आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्रैश कोर्सेज मिलते हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन है आपके, इंग्लिश हिंदी की आपकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। आइकॉनिक अगर आपने लिया बच्चों तो आपको एक बहुत बड़ी सुविधा मिलती है और वो है पर्सनल कोच की सुविधा। ये पर्सनल कोच आपका एक तरह से प्राइवेट कोच हुआ, जो कि एक बेहतरीन एजुकेटर होता है जिसे आपके सेगमेंट के एग्जाम की बहुत बेहतरीन नॉलेज होती है, वो आपको असाइन कर दिया जाता है, वो आपको हर मामले में गाइड करता है, वो आपका हाथ पकड़ करके रखता है एग्जाम तक। तो ये एक आपको सुविधाएं मिलती हैं। बाकी तो आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिलते हैं इसके अंदर, जो आपके हर टॉपिक के डाउट्स क्लियर करते हैं। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आइकॉनिक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आइकॉनिक या प्लस में से कोई भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। इन प्लान को अगर आप लेते हैं, सपोज प्लस प्लान आप लेते हैं, आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाइए, आप प्लस प्लान लेते हैं, आइकॉनिक प्लान लेते हैं, कोई सा भी प्लान लेते हैं, इसमें अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं अभिषेक 01, तो आपको बच्चों 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है इस कोड को यूज करके, प्लस मेरे साथ कनेक्ट होने का आपको मौका भी मिलता है, एग्जाम तक मेरे साथ कनेक्टेड रहने का मौका भी आपको मिलता है बच्चों। तो ये दोनों प्लान है, दोनों में ही, चाहे आइकॉनिक हो चाहे प्लस हो, दोनों में आपको मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलता है। ठीक है, और वो सुविधा तो है पर्सनल गुरु की। तो ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप का फायदा उठाइए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अगर फायदा उठाएंगे तो आप, मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट बने, मैं तो आपको अपना स्टूडेंट बनाना, हर टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उससे गाइड हो, तो मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, और मेरा कोड है अभिषेक 01। गाइड आप औरों से भी होंगे, जब आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको जिस टीचर से मदद चाहिए मैं उससे आपको मदद दिलवाऊंगा, फिर ये होगा अगर आप आइकॉनिक प्लान में आते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने बच्चों बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट की थी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में, ये आज बायोडाइवर्सिटी की तीसरी क्लास है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने जो है पहले पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली कितने टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके अलावा हमने उसमें पढ़ा था कि जो हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हमने बायोडाइवर्सिटी पे जो थ्रेट है उस थ्रेट के बारे में हमने पढ़ा, कि उन पर जो संकट आ रहा है बायोडाइवर्सिटी पर वो हमने पढ़ा। यस पुष्कर, विशाल इज अ वेरी ग्रेट फैकल्टी, विशाल इज वेरी ग्रेट फैकल्टी, विशाल इज ऑल्सो गुड फैकल्टी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, यस He is a gem personality. ठीक है, now, so जो बायोडाइवर्सिटी है वो
हमने पढ़ा कि उसमें जो थ्रेट है वो थ्रेट्स क्या कहते हैं, वो थ्रेट्स कौन कौन सी हैं वो हमने समझे कल की क्लास में। हमने समझा कि एक्सटिंक्शन क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वाइल्ड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या होता है, वो हमने बेसिकली कल की क्लास में समझा। और हमने कल की क्लास में उन्हें कंजर्व करने के तो तरीके भी समझे, इन सीटू और एक्स सीटू। तो हमने इन सीटू तरीका भी समझा और एक्स सीटू तरीका भी हमने समझा, ठीक है। इनफैक्ट बच्चों मैं बताऊं तो क्रेट्रिक्स में हर एक फैकल्टी बेहतरीन है, सारी फैकल्टीज बेहतरीन है। एक बहुत ही टफ टेस्ट के बाद फैकल्टीज को लिया जाता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका पास रिकॉर्ड देखा जाता है। एक दिन में ये सिलेक्शन नहीं होता। क्रेट्रिक्स पर या अनअकैडमी पर ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस 3 से 4 महीना चलता है। 3 4 महीने बाद ऑन बोर्डिंग होती है। लगभग 10 से 12 टेस्ट से गुजर करके फैकल्टीज आती है। पहले तो उन्हें अपना एक मुकाम हासिल करना होता है, उसके बाद भी वो 10 12 टेस्ट से गुजरते हैं। आई हैव अ 15 ईयर एक्सपीरियंस, मेरे साथ भी ये हुआ है। हर किसी को छोड़ा नहीं जाता, सबको लेवल को चेक करने के बाद ही उस पर रखा जाता है। तो एवरी टीचर इज बेस्ट वन इन देयर ओन फील्ड, जो अपने अपने फील्ड के बेस्ट हैं, इसीलिए सबको उनका अपना रोल दिया गया है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। नाउ आज हमें क्या करना है बच्चों, हमने कल की क्लास में पढ़ा था इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो हमने अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और IUCN भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। IUCN के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, अब आगे चलते हैं। चलो अब आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज पर बच्चों। नाउ आपने नाम सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, आपने नाम सुना होगा नेशनल पार्क का। तो आपने नेशनल पार्क का भी नाम सुना होगा और आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम भी सुना होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए ना यार, बोथ आर फॉरेस्ट एरियाज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द नेशनल पार्क। अगर मैं कहता हूँ नेशनल पार्क और मैं कहता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज ऑब्जेक्टिव में एनवायरमेंट में क्वेश्चन आए कि वेयर द स्पीशीज विल गेट मोर प्रोटेक्शन, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इन द नेशनल पार्क, या कहां पर जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे या नेशनल पार्क में ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, कहां पर ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे। कैन एनीवन आंसर, कोई बता सकता है मुझे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट रूल्स कहां होंगे, नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सुना तो होगा, ये नाम तो दूर सुने होंगे ना आपने। मनकीरत का आंसर है नेशनल पार्क, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। यस नेशनल पार्क इज द राइट आंसर। यस आकाश, अंकुर नेशनल पार्क ही होगा, ग्रेट गुड वन। सो क्यों होगा इस पर बात करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है और नेशनल पार्क क्या है, क्यों नेशनल पार्क के रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, इसको भी समझेंगे बेसिकली। इसके साथ ही आज हम समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वो भी हम समझेंगे, और डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा मेरे साथ पढ़िएगा, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में बना। कई बार ये क्वेश्चन आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस ईयर में बना, तो वो क्वेश्चन भी आ जाता है, बात करते हैं। सो द अडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970, द अडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970 एंड द इनैक्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 लीड टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। द अडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970 एंड द इनैक्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 लीड टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। वैसे नेशनल पार्क ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, अभी बताता हूं क्यों। फ्रॉम 5 नेशनल पार्क्स एंड 60 सेंचुरीज, जब इंडिया में प्रोटेक्टेड एरियाज हमने बनाने शुरू किए तो इनिशियली देयर वर ओनली 5 नेशनल पार्क्स, क्या होते हैं अभी बात करूंगा, और 60 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। नाउ वी हैव नेटवर्क ऑफ 903 प्रोटेक्टेड एरियाज, अभी 903 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। अभी प्रोटेक्टेड एरियाज डिफरेंट टाइप के हैं, आउट ऑफ विच इन इंडिया एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 903 प्रोटेक्टेड एरियाज, 101 नेशनल पार्क,
553 सेंचुरीज, 86 कंजर्वेशन रिजर्व एंड 163 कम्युनिटी रिजर्व। तो टोटल 903 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, 101 इसमें नेशनल पार्क हैं, 553 सेंचुरीज हैं, 86 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं और 163 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगा होगा, अंदर चलने लगा होगा, यानी कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, ये कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है। नेशनल पार्क और सेंचुरी तो हमने सुन रखा है, बट व्हाट इज दिस कम्युनिटी रिजर्व एंड व्हाट इज द कंजर्वेशन रिजर्व, तो आज इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, कंजर्वेशन रिजर्व भी और कम्युनिटी रिजर्व भी, दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज आर हैविंग अबाउट 5.02% एरिया ऑफ इंडिया, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। 5.02% एरिया ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड एरिया में होता है, इंडिया का 5.02% एरिया कवर कर रहे हैं ये प्रोटेक्टेड एरिया, फैले हुए हैं इंडिया के 5.02% एरिया में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दीज नेटवर्क्स आर फर्दर स्ट्रेंथन बाय सेवरल प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल। इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा और इन प्रोटेक्टेड एरियाज को और ताकत दी गई है, इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, इसी पर आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों पहले समझो बात को। अगर हम बात करें नेशनल पार्क्स की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, जो नेशनल पार्क है, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात करें, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी को बचाने के लिए बनाई जाती है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी को बचाने के लिए उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया अनाउंस किया जाता है। अगर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है तो किसी एक, हो सकता है कि यहां पर सपोज एक्स वाई जेड ए बी सी ये स्पीशीज रहती हैं इस फॉरेस्ट के अंदर, हमने जेड स्पीशी को और सी स्पीशी को बचाने के लिए इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस किया, हमने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस किया इस जेड स्पीशी और सी स्पीशी को बचाने के लिए, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है तो यहां पर इन दो स्पीशीज को बचाने की पूरी कोशिश हो रही होगी, इन दो स्पीशीज को बचाने की पूरी कोशिश हो रही होगी। इट मींस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी पर्टिकुलर स्पीशी को या कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को ही प्रोटेक्शन दी जाती है, उनके बारे में चिंता की जाती है। बट इन नेशनल पार्क, अगर हमने नेशनल पार्क बनाया है तो इन नेशनल पार्क कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, वहां पर जितनी भी स्पीशीज होंगी उन एक्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितनी भी स्पीशीज होगी उस फॉरेस्ट एरिया की सारी स्पीशीज को बचाने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर आपको रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट रखने पड़ते हैं नेशनल पार्क में, क्योंकि आपको ज्यादा स्पीशीज यहां पर बचानी है, जो भी स्पीशीज उस एरिया में सब बचानी है, तो सबका ख्याल रखते हुए रूल्स बनाने हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो सकता है बाकी स्पीशीज का ख्याल ना रखें, सिर्फ उन दो स्पीशीज के लिए जो रूल्स काफी हैं वो बना दिए जाते हैं, उन दो स्पीशीज को जिन बातों से नुकसान है केवल उन चीजों को बैन कर दिया जाता है, बाकी चीजें बैन नहीं होती। लेकिन नेशनल पार्क में ज्यादातर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है क्योंकि वहां सबको बचाना है। अब किसी एक्टिविटी से किसी स्पीशी को नुकसान होता है, किसी को नहीं होता, तो इसीलिए सबको बचाना है, तो ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नेशनल पार्क के अंदर लगते हैं। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है तो पढ़ा देता हूं। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट respectively as wildlife centuries if area was ought to be of adequate ecological and natural significance, if area was ought to be of adequate ecological and natural significance. The Wildlife Protection Act 1972 provided for the declaration of certain areas of state government and central government respectively as wildlife centuries if area was ought to be of adequate ecological and natural significance. The wildlife centuries are mainly declared for the preservation of one species. Dhyan dena.
और सम पर्टिकुलर स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसके लिए डेडिकेट होती है? वन स्पीशीज, वहां रहती और भी स्पीशीज है लेकिन उन स्पीशीज के लिए प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। किसी पर्टिकुलर स्पीशी को प्रोटेक्शन दी जा रही है, रहती रहे वहां सब, या कुछ सम कुछ स्पीशीज पर्टिकुलर स्पीशीज को ही वहां पर प्रोटेक्शन दी जा रही होती है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइडेड द राइट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क्स टू द गवर्नमेंट। नेशनल पार्क्स कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड इन दोज एरियाज हैविंग एडिक्वेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशी और स्पीशीज, वेयर नेशनल पार्क प्रोटेक्ट ऑल द स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैन बी क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज और स्पीशीज, वेयर नेशनल पार्क प्रोटेक्ट ऑल द स्पीशीज। नंबर टू, नेशनल पार्क प्रोवाइड ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इन द कंपेरिजन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, नेशनल पार्क प्रोवाइड ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इन द कंपेरिजन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बस ये एग्जाम के लिए ध्यान रखना है आपको। सम एक्टिविटीज दैट आर अलाउड विद द रेगुलेशन इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क्स। द रूल्स ऑफ नेशनल पार्क आर मोर स्ट्रेट इन द कंपेरिजन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कंपेरिजन में जो नेशनल पार्क है, ये स्ट्रेट की जगह इसे स्ट्रिक्ट कर दीजिएगा, स्ट्रिक्ट इन द कंपेरिजन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क के रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अब बच्चों, एक और प्रोटेक्टेड एरिया है, वो है बायोस्फीयर रिजर्व। हमने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा हमने देखा नेशनल पार्क। हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात कर रहे हैं, तो एक प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा एरिया नेशनल पार्क्स। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। बच्चों, बायोस्फीयर तो आप जानते ही हो, जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी काफी हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व वो जहां पर लाइफ को और ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, यानी कि जो अबायोटिक कंटेंट है उसको भी बचाया जाए, साथ ही वहां की बायोडायवर्सिटी को भी बचाया जाए। तो जिस एरिया में बायोडायवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उस एरिया के अबायोटिक कंटेंट यानी लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, इन सब को कंजर्व किया जा रहा है, वो कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अबायोटिक कंटेंट, लैंड, वॉटर, एयर, सॉइल एक्सेट्रा एंड बायोडाइवर्सिटी। इन फैक्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड एरियाज ऑफ लैंड एंड कोस्टल इकोसिस्टम वेयर अबायोटिक एंड बायोटेक रिसोर्सेज आर मैनेज्ड एंड कंजर्व्ड इन सस्टेनेबल मैनर। इन दिस वे बायोस्फीयर रिप्रेजेंट लिविंग लेबोरेटरीज फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, वॉटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। Therein, the program of biosphere reserve is within the ambit of man and biosphere program. अब बहुत important चीज आ रही है बच्चों एग्जाम के लिए, ये बहुत पूछा जाता है। MAB program, ये UNESCO का program है, 1971 से चल रहा है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। एक्चुअली बायोस्फीयर्स को रिजर्व बनाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ये प्रोग्राम यूनेस्को ने लॉन्च किया था 1971 में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम्स टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशन बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। इट्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व काउंट अबाउट 714 बायोस्फीयर रिजर्व इन 129 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस एमएबी प्रोग्राम के तहत पूरी दुनिया में 714 बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनको, उनका एक नेटवर्क बनाया गया है
उनको आपस में कनेक्ट किया गया है, उनको सेम नॉलेज सेम इंफॉर्मेशन या उनके बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करके उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। 714 बायोस्फीयर रिजर्व एग्जाम में पूछा जाता है, 129 कंट्रीज से कनेक्टेड है। ये डेटा अपडेट होता रहेगा, आगे फिर और देशों को भी जोड़ देंगे तो डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये एमईबी प्रोग्राम बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, यूनेस्को की चल रही है, भारत में भी लागू है, ठीक है। इंडिया के अंदर बच्चों 18 बायोस्फीयर है। एक क्वेश्चन आता है कितने बायोस्फीयर है, इंडिया में 18 बायोस्फीयर्स हैं। इन 18 बायोस्फीयर्स में से 11 बायोस्फीयर्स जो है वो यूनेस्को ने अपने नेटवर्क में डाल रखे हैं। तो यूनेस्को के 714 बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में 11 नेटवर्क इन 11 बायोस्फीयर इंडिया में भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इंडिया के 18 बायोस्फीयर, ये बहुत आता है क्वेश्चन, इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व किसी पर्टिकुलर स्पीशी के लिए जाने जाते हैं, तो वो स्पीशीज 4 स्पीशीज दे देगा, 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम दे देगा, मैचिंग पैटर्न में पूछ लेगा कौन सी स्पीशी किस बायोस्फीयर रिजर्व में मिलती है। कई बार वो स्पीशी दे देगा और स्टेट का नाम पूछ लेगा, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व किसी स्टेट में तो पड़ता ही होगा, तो मैचिंग पैटर्न में वो पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा वो ये पूछ लेता है कि यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर कौन से इंडिया के कितने और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व, इन 18 में से कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क में है, ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क में है, ये जो है पूछा जा सकता है, पूछा जाता है इनफैक्ट। साथ ही साथ यूनेस्को के ये जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यूनेस्को ने या इंडिया में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना, यूनेस्को ने सबसे पहले किसको अपने वर्ल्ड नेटवर्क पर लिया, लेटेस्ट किसको वर्ल्ड नेटवर्क पर लिया गया है, इस तरीके से, या किस स्टेट में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है, इस तरीके के तमाम तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो एक तो ये उस पर हम आते हैं अभी कि कौन कौन से हैं, कहां कहां पर हैं। यह काम करते हैं, पहले उसी पर आ जाते हैं, जल्दी से रुकिए, जोन्स पर अभी पढ़ लूंगा, पहले उस पर आ जाता हूं। देखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर बच्चों, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या है, अभी मैंने जो है क्रिएटिक्स पर, अच्छा अभी डालूंगा, क्रिएटिक्स पर नोट्स डाल दिए थे, आज भी डाल दूंगा, ये डाउनलोड करके रख लीजिएगा, सेव करके, लिस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 18 में कौन कौन है, तो एक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, रिकॉग्नाइज इन 1986, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन 3 स्टेट्स में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इंडिया का ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, कहां कहां पड़ता है, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में पड़ता है, कौन सा इलाका कहलाएगा, वेस्टर्न घाट रीजन कहलाएगा, ये इंडिया का साउथ इंडिया है, ये इलाका वेस्टर्न घाट इलाका है ये वाला, ठीक है, यहां कहीं नीलगिरी आपको मिल जाएगी। बात समझ में आई होगी, आगे बढ़े, देखते हुआ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में रिकॉग्नाइज हुआ, इंडिया का ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने नीलगिरी देखा है, मैंने नंदा देवी भी देख रखा है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यह है इन उत्तराखंड, वेस्टर्न हिमालय रीजन पड़ेगा, स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बियर यहां मिलते हैं। मैंने कहा ना कभी कभी स्पीशी पूछ लेता है, तो स्नो लेपर्ड यहां मिलता है, हिमालयन ब्लैक बियर यहां मिलता है। इट इज रिकॉग्नाइज इन 1988 में ये रिकॉग्नाइज हुई है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, क्लियर। स्टेट कौन सा हो गया, उत्तराखंड, हमें स्टेट भी याद रखना है ना, और यहां स्पीशी मिलती है स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक बियर। थर्ड है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, इस लिस्ट से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक कहां पर है, मेघालय, अभी तक मेरा नॉर्थ ईस्ट जाना नहीं हुआ, जल्दी जाऊंगा, मेघालय, ईस्टर्न हिमालय रीजन,
मेघालय इसे हम कहेंगे ईस्टर्न हिमालय रीजन, यहाँ मिलता है रेड पांडा, मैंने आपको बताया था ना रेड पांडा को बचाया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ मिलता है रेड पांडा। इट इज रिकॉग्नाइज इन 1988, 1988 में रिकॉग्नाइज हुआ। चौथा गल्फ ऑफ मन्नार साउथ इंडिया, ये पड़ेगा तमिलनाडु में, रिकॉग्नाइज इन 1989। कोस्टल रीजन गल्फ ऑफ मन्नार हमारा साउथ इंडिया के अंदर पड़ेगा। तमिलनाडु इट इज रिकॉग्नाइज इन 1989। कोस्टल रीजन इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ेगा। इट इज रिकॉग्नाइज इन 1989। कोस्टल रीजन है, यहां जो स्पीशी मिलती है वह है डुगोंग, एक मीडियम साइज मरीन मैमल होता है डुगोंग, यहां डुगोंग मिलता है। नेक्स्ट है सुंदरबन, कहां पड़ेगा वेस्ट बंगाल। इट इज रिकॉग्नाइज इन 1989। गैंगेटिक डेल्टा, गंगा का डेल्टा है सुंदरबन, यहां क्या मिलता है बहुत अच्छे से जानते हो उसको, रॉयल बंगाल टाइगर। मेरे पास टाइगर्स की भी बहुत अच्छी अच्छी फोटो है बच्चों, कुछ तो मैंने खुद खींची है, जो मैंने खींची है मतलब वही मैं कह रहा हूँ, तो अच्छी अच्छी फोटो है वो दिखाऊंगा कभी मौका मिलेगा तो। ये वाकई में रॉयल है यार ये बंदा तो, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट है मानस, असम में है मानस, रिकॉग्नाइज इन 1989। ईस्ट हिमालयाज रीजन, गोल्डन लंगूर और रेड पांडा वो यहां पर मिलती है, मानस है असम में। वैसे भी पता होना चाहिए जीके अपना देश है ये, तो देश घूम रहे हैं और क्या। नेक्स्ट है सिमलीपाल, सिमलीपाल जगह उड़ीसा में, ये बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, रिकॉग्नाइज इन 1994। डक्कन पेनिनसुला, ये है डक्कन पेनिनसुला, डक्कन पेनिनसुला रीजन, यहां स्पीशी मिलती है गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट। नेक्स्ट है दिहांग दिबंग अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबंग अरुणाचल प्रदेश। इट इज रिकॉग्नाइज इन 1998। अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दिबंग। ईस्टर्न हिमालयाज रीजन, यहां पर मिशमी टाकिन और मस्ट डियर ये स्पीशीज मिलती है। अब देखो याद रखना मुश्किल है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा इसको, ठीक है, बेटर होगा बच्चों याद रखने के लिए एक बार इनकी फोटो देख लेना, तो तुम्हारे दिमाग में रहेगी, गूगल करके फोटो देख लेना। नेक्स्ट है पंचमणि, पंचमणि है मध्य प्रदेश, रिकॉग्नाइज इन 1999। सेमी एरिड रीजन है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल, उड़ने वाली गिलहरी और बड़ी गिलहरी यहां मिलती है, उड़ने वाली गिलहरी उड़ती नहीं होगी कूदती होगी तो वो यहां मिलती है। दसवां है अचानक मार अमरकंटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसकी खास बात बताएगा कोई बच्चा मुझे जल्दी से, अचानक मार अमरकंटक क्यों फेमस है, कोई मध्य प्रदेश से बैठा है क्लास में जल्दी बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ज्योग्राफी के लिए, अचानक मार अमरकंटक क्यों फेमस है, व्हाई इट इज फेमस। नहीं पता तो नो लिख देना, कुछ तो लिखना लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि सो तो नहीं गए। हाँ सो ही गए शायद मुझे लग रहा है। हाँ भाई रिकॉग्नाइज अचानक मार अमरकंटक जो है, मैं वेट कर रहा हूं आंसर का, रिकॉग्नाइज इन 2005। मनकीरत नहीं पता, अच्छा कोई बात नहीं, कोई कोई भी एक क्लास में नहीं है कोई बात नहीं, बताता हूं मैं, मैकाल हिल्स रीजन, कोई बात नहीं अभी मैं बता रहा हूं, मैकाल हिल्स रीजन से निकलती है, यहां मिलता है इंडियन वाइल्ड डॉग, अभी मैं बता रहा हूं खास बात, सारस क्रेन, फोर हॉर्न एंटीलोप, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है अचानक मार अमरकंटक से। मैं हूं सर एमपी से, तो फिर बताओ चंचलेश आपको तो पता होना चाहिए, फिर नहीं पता
यस, दिस रिवर इज नर्मदा। ठीक बात, नर्मदा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन द सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि अरेबियन सी में गिरती है। नर्मदा रिवर अचानक मार अमरकंटक से निकलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, इस एरिया की मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, गुजरात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और यहां पर जो है नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम भी है। सरदार सरोवर डैम गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मूर्ति है सरदार पटेल की, जो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो नर्मदा के किनारे ही है और सरदार सरोवर डैम के पास ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ रन ऑफ कच्छ गुजरात, रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। इट इज रिकॉग्नाइज इन 2008, रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, 2008 में रिकॉग्नाइज हुआ। ये डेजर्ट रीजन है बच्चों, ये सॉल्टी डेजर्ट है, सॉल्टी डेजर्ट है, ये सॉल्ट के कारण बना डेजर्ट है। मैंने आपको कोल्ड डेजर्ट दिखाया था नूबरा का, लास्ट जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी वो नूबरा की दिखाई थी, वो कोल्ड डेजर्ट था, ये सॉल्टी डेजर्ट है, ये सॉल्ट के कारण बना डेजर्ट है। मनकीरत कंट्रीज ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स रिकॉग्नाइज किए हैं, यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क बनाया है और कंट्रीज के बायोस्फीयर रिजर्व्स में से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को अपने नेटवर्क पर लिया है। धीरे धीरे वो उनके नंबर्स को उन्हें इंक्लूड करता जाता है। जैसे इंडिया में स्टार्टिंग में 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स थे जो कि यूनेस्को के नेटवर्क पर थे, अब बढ़ते बढ़ते ये 11 हो गए हैं। एक और यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, लेकिन अभी यूनेस्को की वेबसाइट पे उसका नाम अपडेटेड नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बोला, वरना इंडिया के अब 12 हो चुके हैं। अभी 11 ही मैंने बताए हैं, क्योंकि वेबसाइट पर जब तक यूनेस्को अपडेट नहीं कर देता हम इसे ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो 11 तो हो गए, 4 से बढ़ते बढ़ते 11 हो गए। तो यूनेस्को तो वर्ल्ड नेटवर्क को रिकॉग्नाइज कर रहा है और हर कंट्री अपने बायोस्फीयर रिजर्व्स बता रही है। रन ऑफ कच्छ में मिलता है इंडियन वाइल्ड एस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको बचाने की कोशिश हो रही है, इंडियन वाइल्ड एस को, जंगली गधा। इट इज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट हुआ एग्जाम के लिए, इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व रन ऑफ कच्छ। ठीक है, और इंडिया का ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, ओल्डेस्ट है नीलगिरी, और इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हमारे सामने आया अब रन ऑफ कच्छ गुजरात में। एक है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, इट इज रिकॉग्नाइज इन 2009। यस, वेस्टर्न हिमालयाज रीजन, यहां मिलता है स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट है कंचनजंगा, कंचनजंगा की खास बात कोई बताएगा मुझे, फिर ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कंचनजंगा की खास बात पता है किसी को, कंचनजंगा क्यों फेमस है? फिर आगे पढ़ाता हूं, कंचनजंगा क्यों फेमस है ये बताओ। यस एग्जैक्टली, डैडी कूल, ग्रेट। व्हाट्स योर ओरिजिनल नेम, वो लेता हूं ना। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। लेकिन एक बात समझना बच्चों, ऐसा है नहीं, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन हिमालयाज। एक्चुअली कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन हिमालयाज, इंडिया की हाईएस्ट पीक है। हाँ, अमोल, अमोल इज अ वेरी गुड नेम, अमोल इज अ वेरी गुड नेम, गुड अमोल, योर आंसर इज राइट। नाउ इंडिया की हाईएस्ट पीक कोई बताएगा, वो है K2, K2 इज द हाईएस्ट पीक, इसका नाम है ऑस्टिन गॉडविन। जीके पढ़ा रहा हूं आपकी, जीके तो आती है ना एप्टीट्यूड के साथ, तो K2 है ऑस्टिन गॉडविन,
एक्चुअली ये हमारा ऊपर से कश्मीर है, इस कश्मीर में ये इलाका है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। इस पीओके में K2 है, तो हम पीओके को इंडिया का हिस्सा मानते हैं, इसलिए हम K2 को इंडिया की हाईएस्ट पीक मानते हैं। दो इंडिया का कंट्रोल K2 के ऊपर अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन इस कश्मीर को हम इंडिया का हिस्सा मानते हैं, हम अपने मैप में इसको दिखाते हैं, इसलिए यहां पर K2 है और हम K2 को इंडिया की हाईएस्ट पीक मानते हैं। तो कोई पूछेगा कि इंडिया की हाईएस्ट पीक तो K2 है भाई, भले ही इंडिया के कंट्रोल अभी ना हो इसके ऊपर, हम मानते हैं तो मानते हैं। दूसरा, सेकेंड हाईएस्ट पीक इंडिया की कंचनजंगा है, लेकिन हिमालयाज में ये हाईएस्ट पीक है, हिमालयाज में ये हाईएस्ट पीक है। तो क्या K2 हिमालयाज में नहीं है? नहीं, K2 पड़ती है कराकोरम में, K2 पड़ती है कराकोरम के अंदर। कराकोरम कहाँ है? देखिए, अगर ये हिमालयाज है, ये सपोज दिल्ली है, हम दिल्ली से नॉर्थ में गए, ये पड़े शिवालिक, ये हिमाद्री हिमालयाज, ये हिमालयाज अगर है तो कराकोरम यहाँ है, यहाँ कराकोरम है। तो K2 जो है कराकोरम में पड़ता है, कराकोरम रेंजेस में पड़ता है, हिमालय रेंजेस में नहीं पड़ता। हिमालय रेंजेस में माउंट एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में, और इसके राइट साइड में यहाँ कंचनजंगा पड़ता है इंडिया में, सिक्किम में। क्लियर हुई बात? आपका जीके थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा था। चलो वापस आ जाते हैं, बस ऐसे ही पढ़ लो, सीख जाएंगे हम बहुत कुछ यहाँ पर क्लास में। सो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सिक्किम में है। इट इज रिकॉग्नाइज इन 2000 ईस्टर्न हिमालयाज रीजन रेड पांडा स्नो लेपर्ड। अगला है अगस्त मलाई। अगस्त मलाई केरला में और तमिलनाडु में है। इट इज रिकॉग्नाइज इन 2001। अगस्त मलाई इज इन केरला एंड तमिलनाडु। इट इज रिकॉग्नाइज इन 2001। वेस्टर्न घाट रीजन, नीलगिरी तहार और एलिफेंट यहां पर मिलता है। 18 है टोटल, 14 हमने पढ़ लिए हैं। 15, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ मिलेगा? अंडमान और निकोबार में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान और निकोबार में। इट इज रिकॉग्नाइज इन 1989। इट इज रिकॉग्नाइज इन 1989। आइलैंड रीजन है, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहां पर मिलता है, स्पीशीज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल स्पीशीज यहां पर मिलती है। कोई इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बताएगा, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट लिखेगा कोई? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, कहीं तो इंडिया का साउथ होगा ना, साउथ मोस्ट पॉइंट इंडिया का, जल्दी बताओ, थोड़ा जीके भी बढ़ा दूं आप लोगों का। धनुषकोटी एग्जैक्ट नहीं है, मैं बताता हूं क्यों सही नहीं है। अगर मेरा क्वेश्चन देखो, केप कोमोरिन आंसर आया, मनकीरत नहीं। आप लोगों के आंसर गलत भी है, सही भी है और गलत भी है, बताता हूं भी कैसे। देखो सदर्न मोस्ट पॉइंट है तो हम साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ये हमारा मेनलैंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये हमारा मेनलैंड ऑफ इंडिया है। नाउ इस मेनलैंड ऑफ इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर है केप कोमोरिन, इसी को आप कहते हैं कन्याकुमारी, यही धनुषकोटी भी है, ठीक है, यहीं पर धनुषकोटी भी है, अमोल। नाउ इंडिया के ये हैं आइलैंड्स, ये हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट।
इंडिया क्या अंडमान निकोबार भी तो इंडिया का हिस्सा है? तो सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि इंडिया में अंडमान निकोबार में पड़ता है, निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। नाउ कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन द मेन लैंड ऑफ इंडिया। मेरी बात पर ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट इन द मेन लैंड ऑफ इंडिया, आंसर होगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर ये पूछा जाए द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि भैया अंडमान निकोबार इंडिया में ही है, तो फिर वो सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया होगा, एक जीके और थोड़ा सा क्लियर कर दिया आप लोगों का। चलिए नाउ ग्रेट निकोबार, हर चीज से कुछ ना कुछ जीके बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा, अगला बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सैखोवा आसाम में मिलेगा। इट इज रिकॉग्नाइज इन 1997 ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालय रीजन, यहां मिलता है गोल्डन लंगूर। ईस्टर्न हिमालय रीजन, यहां मिलता है गोल्डन लंगूर, ठीक है, गोल्डन लंगूर यहां मिलता है। आगे बढ़ते हैं, शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स है आंध्र प्रदेश में। गणेश आर यू देयर? आई थिंक यू मस्ट विजिटेड दिस एरिया, शेषाचलम हिल्स। हैव यू विजिटेड शेषाचलम हिल्स इन आंध्र प्रदेश? ये तो आपके पास है ना। सो शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, रिकॉग्नाइज इन 2010। ये ईस्टर्न घाट रीजन है, ईस्टर्न घाट रीजन, यहां मिलता है स्लेंडर लॉरिस। स्लेंडर लॉरिस मैंने विजिट किया है शेषाचलम, ब्यूटीफुल प्लेस। यहां मिलता है, यहां मिलती है स्लेंडर लॉरिस। नेक्स्ट है पन्ना, पन्ना है मध्य प्रदेश में। हीरा और पन्ना आपने सुना है ना, हीरा और पन्ना एक साथ बोले जाते हैं, जानते हैं क्यों? पन्ना इज फेमस फॉर डायमंड्स, अब नहीं मिलते, पहले मिला करते थे, अब मिल जाए तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाए, पर पहले कभी पन्ना में डायमंड मिलती थी, डायमंड माइंस हुआ करती थी, डायमंड माइंस हुआ करती थी पन्ना में। पन्ना इज इन मध्य प्रदेश। इट इज रिकॉग्नाइज इन 2011। इट इज द यंगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, 18वां यही है। ओल्डेस्ट नीलगिरी, रन ऑफ कच्छ इज द लार्जेस्ट एंड द यंगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज पन्ना। ये सेमी एरिड रीजन है, अर्ध शुष्क इलाका है, बारिश थोड़ी कम पड़ती है। यहां मिलता है टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांभर। ओके यू हैव विजिटेड प्रगना, शाकुमरी, यू हैव विजिटेड पन्ना, ग्रेट, मुझे जाना है अभी, पन्ना नहीं गया मैं, एंड स्लॉथ भी है। और यू हैव विजिटेड सेशलम, सेशलम यू हैव विजिटेड सेशलम ना, शेषाचलम हिल्स, फाइन। सो बच्चों ये सारे हमारे क्या कहते हैं, ये हमारे सारे बायोस्फीयर रिजर्व हुए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हुए। एग्जाम में ये इतनी इंफॉर्मेशन है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चंस पूछता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई ना 18 में से यूनेस्को ने जो है किन बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज कर रखा है, 18 इंडिया ने रिकॉग्नाइज किए अपने यहाँ, इसमें से यूनेस्को ने कौन कौन से अपने नेटवर्क पर, अपने एमएबी नेटवर्क पर रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। तो अपने एमएबी नेटवर्क पर यूनेस्को ने जो रिकॉग्नाइज कर रखे हैं वो है नीलगिरी। इट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को। ये इंडिया का भी ओल्डेस्ट है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज है, और यूनेस्को ने भी इसे सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया है इंडिया में। इंडिया का सबसे पहला रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को के लिए रिकॉग्नाइज जो है वो नीलगिरी है। उसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोक रेक, पंचमणि, सिमलीपाल उड़ीसा, अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ एंड एमपी, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई इन तमिलनाडु एंड कंचनजंगा 2018 में
कंचनजंगा को इसमें हमने शामिल कर दिया। यस ओके शेषाचलम, देर इज अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो, वहां एक टाइगर रिजर्व भी है ना। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये तो थी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक फैक्चुअल नॉलेज जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक बच्चों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक कंसेप्चुअल बात और बतानी, तो हमारा बायोस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा हर तरह से एग्जाम के एंगल से। देर आर थ्री गोल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया जाता है, क्यों प्रोटेक्टेड एरिया बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में बनाया जाता है, इसके तीन गोल होते हैं। एक होता है कंजर्वेशन रोल, यानी कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना। दूसरा होता है लॉजिस्टिक रोल, मतलब सेटिंग अप इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर फील्ड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, इंटरनेशनल नेटवर्क वगैरह को लेकर आना, ये है लॉजिस्टिक रोल। ठीक है, तो दूसरा होता है लॉजिस्टिक रोल, तीसरा होता है डेवलपमेंट रोल, तीसरा होता है डेवलपमेंट रोल टू मेंटेन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन अ सस्टेनेबल मैनर। अच्छा बच्चों, एक टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस टर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट? व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हमने डेवलपमेंट तो सुना है, देन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कोई बताएगा? सॉरी, आज मैंने माइक नहीं लगाया अपना, मेरी आवाज कम आ रही थी क्या? माइक लगाना भूल गया था। थैंक यू अभिलाष सिंह, थैंक यू, थैंक्स फॉर लव, गॉड ब्लेस यू बेटा। चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि बेसिकली जो डेवलपमेंट है, वी आर डूइंग द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दैट डेवलपमेंट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वी कैन मेंटेन फ्यूचर ऑल्सो। हम आज अपने सारे रिसोर्सेस को एग्जॉस्ट करके बहुत ज्यादा डेवलप हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए हम अपने रिसोर्सेस को क्यों बचा के रखते हैं? जिससे कि हम फ्यूचर में सस्टेन कर सकें। सो इन प्रेजेंट वी शुड डेवलप, वी शुड डू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वी शुड डू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, बट इन फ्यूचर वी कैन, इन फ्यूचर आवर फ्यूचर शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द प्रेजेंट डेवलपमेंट। मीन्स वी शुड नॉट डेवलप इन द वे वेयर वी आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द राइट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मैं आज सारा पानी खत्म कर दूं, मैं आज सारा एयर खत्म खराब कर दूं, मैं सारे रिसोर्सेस बर्बाद कर दूं और मैं बच्चे पैदा कर दूं अगली जनरेशन को ला करके छोड़ दूं, क्या उनके साथ जस्टिस होगा? उनके लिए कोई रिसोर्स छोड़े ही नहीं हमने, सब तो हमने बर्बाद कर दिया, मास्क उनको दे दिया हमने, तो अच्छी ताजी हवा ले ली। तो दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मदर फादर का मॉडल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल होता है। मदर फादर प्रेजेंट में अपने कुछ रिसोर्सेस बचा करके रखते हैं, वो अपने ऊपर खर्च करके मौज में रह सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली जनरेशन के लिए रिसोर्सेस बचा करके रखते हैं। ये मॉडल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है। सेम नेचर के साथ भी अब कहा जा रहा है कि भाई वी डू नॉट नीड डेवलपमेंट, वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात यह है। नाउ अब जो लास्ट टॉपिक है, बस उसके बाद क्लास ओवर करूंगा, जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है ना बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व में पूछ सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन्स होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में चार जोन्स होते हैं। एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर जोन, एक होता है रीस्टोरेशन जोन और एक होता है कल्चरल जोन। कुछ इस तरीके से समझो, दिस इज कोर जोन,
दिस इज बफर, चेक कर लेना, ये हो गया रीस्टोरेशन जोन, ये बाहर वाला, और सबसे बाहर वाला हो गया कल्चरल जोन, जो सबसे ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड होता है ना वो होता है कोर जोन। इसमें हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है कोर जोन। जो कल्चरल जोन है इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड रहता है, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया जाता है कल्चरल जोन के अंदर। जो कोर जोन होता है ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहां पर कोई भी एक्टिविटी बहुत ज्यादा परमिशन के साथ लिमिटेड वे में करवाई जाती है। जो बफर जोन होता है, बफर जोन स्टडी वगैरह के लिए यूज कर लिया जाता है, रीस्टोरेशन जोन रिसर्च वगैरह में काम आ जाता है, और कल्चरल जोन में लोकल एरिया की एक्टिविटी अलाउ कर दी जाती है। जैसे वहां के आदिवासी हैं, ट्राइब हैं, उन्हें जंगल को यूज करना होता है, जंगल के प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है, तो कल्चरल जोन में यूज करने दिया जाता है। हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है बच्चों कोर जोन, ठीक है। तो ये था हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। तो आज हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमने पढ़ा नेशनल पार्क, हमने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में आज की क्लास में हमने पढ़ा, डिफरेंट हमने पढ़े। अभी कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके अलावा कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में आएगा भाई साहब मेरा फेवरेट एनिमल विच इज टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट टाइगर की भी बात आएगी, और टाइम बचेगा तो वैसे तो शायद ही बचेगा, लेकिन अगर बचा तो फिर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो आपको क्या करना है, आपको मेरा कोड Abhishek01 यूज करना है, और मेरी प्लस जो क्लासेस हैं मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप की क्लास है उसमें 6:30 अनअकैडमी लर्निंग ऐप की क्लास में 6:30 आप लोगों को आना है। कल वेटलैंड की क्लास है, यहाँ पर तो हम कंटिन्यू करेंगे। वेटलैंड अगर समझना है और एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझना है तो डिटेल में हम इसको समझेंगे, और रामसर कन्वेंशन को हम यहाँ पर समझेंगे। लाइक आप कर दोगे, शेयर आप कर चुके होंगे, और लोगों को एनवायरमेंट के प्रति जागरूक करने के लिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, घंटी आपने बजा रखी है, और आप मेरा 8:00 पर जो रिपब्लिक डे का स्पेशल प्रोग्राम आया है उसको जरूर देखना बच्चों, उसको देखोगे आपको अच्छा लगेगा, बहुत मन से आप लोगों के लिए वो प्रोग्राम बनाया है। तो 8 to 15 minutes का प्रोग्राम है, उसको देख लो, क्रिएटिक्स चैनल पर ही अभी दिख जाएगा आपको, रिपब्लिक डे स्पेशल का प्रोग्राम जो है हमारा वो देखिएगा, ठीक है। तो और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पर, और नीचे से लिंक भी ले सकते हैं, क्रिएटिक्स चैनल से आप नोट्स ले सकते हैं, क्रिएटिक्स के टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, गुड नाइट, कल फिर मुलाकात करेंगे एक और नज़ारे के साथ, कल मुलाकात करते हैं। अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से गेट की तैयारी करिए, मैं तो पढ़ाता रहूंगा भाई, क्योंकि जो लोग ईएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोगों के लिए तो क्लास जरूरी है, प्लस जो लोग गेट अभी गेट पे लगे हुए हैं आगे ईएस करना है तो वो बाद में आकर के इस क्लास को जरूर देखें, अभी भी आते रहे तो मन लगा रहेगा, ठीक है। गुड नाइट, चलो मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो आपको एटलीस्ट आगे क्लासेस मिल जाएंगी सारी, ठीक है। तो फॉलो उस पर कर लो आप।